अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत होंगे। तो आज के अपने प्यारे ब्लॉग में आए हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पे रख लें, वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के प्यारे और छोटे से ब्लॉग को और डेली रूटीन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्ट, तो आज हम आए थे थोड़ा लेट, तो अभी चूजा वगैरह पकड़ने में लगा हुआ है। तो यार इधर से जो चीज़ें बंद थे ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और आज व्लॉग में आपको मैं ये बताऊँगा कि हमारे जो एक कबूतर का पैर है वो आपस में लग रहा नहीं था, तो उसको लगाने के लिए हमने अलग किया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो शानी भाई चूज़ा पकड़ रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये भी ये आगे देखो, इस चूज़े को पकड़ रहा है। तो यार ये चारों चूज़े यहाँ पर बंद थे, आपको मैंने व्लॉग में भी दिखाया था। तो इनको भी हमने हटाया है और बाहर निकाला है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये लग रहे नहीं थे सिराजी, तो इन सिराजी को लगाने के लिए हमने इनको अलग किया है। तो इनको यहाँ पर बंद किया है, लाल और काला सिराजी है, तो ये आपस में यार लग रहे नहीं थे, तो इसी वजह से इनको यहाँ पर छोड़ा है ताकि आपस में ये लग सके। तो ये हमारे सिराजी कबूतर जिनको यहाँ से हटा के ये रहे देखो बकाया जो कबूतर है, ये रहे बकाया कबूतर। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गए थे, तो इसकी वजह से लग रहे नहीं थे, पैर नहीं लग रहा था, जोड़ा नहीं लग रहा था, तो इसकी वजह से हमने इनको यहाँ पर रखा। तो बाकी ये जो चार चूज़े हैं ना, इनको भी यहाँ पर बंद किया हुआ है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये असल में यार यहाँ पर ऊपर जा रहे थे ना, तो ऊपर से चढ़ के यहाँ पर तारों पे से बैठ के, और कभी दीवार पे बैठ रहे हैं तो घरों के अंदर जा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको इधर बंद कर दिया है। और वैसे और तो तंग नहीं करते, पर ये ज़्यादा तंग करते। तो यार मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे पास आपको नई नई चीज़ें दिख रही थी, और दूसरा जो हमारे पास पट्ठा था इसके अंदर, और स्लेटी मुर्गी भी थी, और काफ़ी जो जानवर थे वो अभी हमने इस जो संडे आया था तो इस पर हम कुछ लेकर नहीं आए थे, तो हमने इसको सेल कर दिया पट्ठे को भी, और दूसरा बाकी जो मुर्गी थी वो भी सेल कर दी। वो इसकी जैसे कि यार गर्मी वगैरह भी आ रही है। और यहाँ पर ये जो थे चिक्स जो थे रेड कलरफुल, तो वो 10 थे तो 5 मर गए थे, तो पांचों को हमने सेल कर दिया क्योंकि यार वो मर रहे भी थे और गर्मी वगैरह ज़्यादा गई। और ये हमारी जो वाइट मुर्गी बैठी है, तो ये भी कुछ दिनों में अंडे वगैरह फोड़ेगी और बच्चे वगैरह निकालेगी। तो यार हमारे जो बतख हैं, तो अभी तक उन्होंने तो अंडे वगैरह नहीं फोड़े क्योंकि हमने लेला नाम रखा था, तो लेला ने अभी तक अंडे वगैरह नहीं फोड़े, पता नहीं क्यों, और हमने टाइम वगैरह भी नहीं देखा था। तो यहाँ पर हमारी लेला वगैरह बैठी हुई हैं, ये रही इनके नीचे रखे हुए। तो यार ये भी ये वो हो गई है, क्या बोलते हैं, रामड़ हो गई है बिल्कुल, और ये मारती हैं। तो शानी भाई जब इनको दाना वगैरह देता है तो ये बहुत मारती है। तो हमने इनके अंडे वगैरह चेक किए थे, तो प्रोसेसर अभी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह अभी इनों में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप दुआ करते रहें कि जो भी अंडे इनमें से सारे बच्चे निकल जाएँ, तो जब बच्चे वगैरह निकलेंगे फिर आपको दिखाऊँगा। तो अभी ऐसे ही दुआ करते रहें ताकि जल्दी से निकल सकें। तो अभी हमने तारीख वगैरह नहीं देखी है, तो इंशाल्लाह जब निकलेंगे फिर आपको दिखाऊँगा। तो जैसे कि आपको पता है वसीम मुगल ब्लॉग के अंदर हम आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, तो हमने जो जानवर वगैरह कम किए हैं, तो इसकी वजह से कम किए कि हम नए नए जानवर नए नए पेड़ ला सकें। तो इंशाल्लाह जब बहुत जल्द हम नया कोई जानवर नया पेड़ लेकर आएंगे फिर आपको दिखाएंगे वगैरह दिखाता हूँ। और शानी भाई कुंडे वगैरह साफ कर रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ, उनको पानी वगैरह दे रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको लेट वगैरह हो गए थे, मगरिब के दाम वगैरह भी होने वाली है अभी थोड़ी देर में। भाई पानी वगैरह भरकर लेकर आ गया है, और यहाँ पर ये देखो कुंडे वगैरह गंदे लगे हुए बिल्कुल, तो इनको भी साफ़ वगैरह करके हमारे पीट्स को देते हैं अभी। तो अभी तोते वगैरह को देख लेते हैं, माशाल्लाह से सेट लगे हुए क्योंकि यार गर्मी वगैरह में थोड़ी इनकी देखभाल ज़्यादा होती है। ये तोते अभी हमारे माशाल्लाह सेट लगे हुए, तो इनके लिए यार ये बाजरा वगैरह ख़त्म हो गया, तो शानी भाई को बोलते हैं बाजरा वगैरह इनको डालें। और दूसरा यहाँ पर बाकी मटकी वगैरह सेट लगी हुई है और गंद वगैरह भी नहीं है, तो अभी ये घूमने में लगे हुए हैं। तो ये दिखा आपको भी मैंने अपने ये पैरोट, तो अभी ये शानी भाई आधा कर दिया। तो यार अजान वगैरह हो गई थी, मगर जैसे मैंने बताया अभी होने वाली है, तो अजान वगैरह हो गई इस वजह से वीडियो को रुका दिया था। तो अभी आपको मैं अपने बेटे दिखाता हूँ, जो तीन जो बचे, ये रे भाई तीन बटे, एक गेरा दूसरा गेरा और तीसरा गेरा, ये तीन बटेर अभी बचे। पैर में से एक ये है जो चुलबुला है, तो इसने भी देखा ना गेट वगैरह खुला है, तो ये भगने ही करेगा, तो अभी इनको बंद कर देते हैं। और इनके लिए बाजरा वगैरह नहीं है, तो बाजरा वगैरह डाल देते हैं। और ये मिट्टी वगैरह में ज़्यादा खुश रहते हैं, तो मिट्टी वगैरह पहले से ही है, तो इनके लिए भी ताज़ा पानी वगैरह डाल दिया है। पानी
डाल दिया। तो अब ये चूजे वगैरह यहाँ पर ही घूम रहे हैं, तो ये चीख रहे इसलिए, ये जो शोर वगैरह कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी रात का अंधेरा होने वाला है, तो ये कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं, तो इसके जैसे शोर वगैरह करते हैं। तो अब ये देखो छिड़काव वगैरह कर रहे हैं कुंडों के अंदर, ताकि ये ठंडक वगैरह हो सके। ये देखो, और इनको भी थोड़ा पानी वगैरह लग जाएगा तो ये थोड़े साफ वगैरह हो जाएंगे। ये देखो पानी वगैरह, और ये हारों पे मारा तो बाहर भी मार देगा। यहाँ से पहले से ही आते के साथ झाड़ू वगैरह लगा दी थी शानी भाई ने, तो वसीम भाई अभी लेटे हुए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आज का जो हमारा ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें, और आप भैया की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर रख लें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपसे जल्द से जल्द पहुँच सकेगी। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।